को हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यमी मैजिक बाय गुंजन। आज मैं बना रही हूँ बटन पिज़्ज़ा, वो भी ढेर सारी वैरायटी के साथ, जैसे पेपी पनीर, चीज़ कॉर्न, तंदूरी पनीर, टोमेटो ऑनियन और वेजिटेबल बटन पिज़्ज़ा, वो भी सिर्फ 2 और 3 मिनट में। ये बटन पिज़्ज़ा पार्टी स्नैक्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये पिज़्ज़ा बिना मैदा और ब्रेड के बना रही हूँ तो टेस्ट भी हेल्थ भी। बटन पिज़्ज़ा के इंग्रेडिएंट्स है बटर, चीज़, मैरिनेट पनीर, सूजी, डोसा बैटर, चॉप्ड अनियन, कैरेट, चीज़ ग्रैनुअल, कॉर्न, टमेटो, कैप्सिकम, पनीर, ऑलिव, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो। पनीर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। उसके बाद मैं दही, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, चाट मसाला और थोड़ा सा बेसन डाल के मैरिनेट कर लिया। ये हमारा बनेगा तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा। क्योंकि आज ये बटन पिज़्ज़ा मैं डोसा बैटर से बना रही हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं लेती हूँ डोसा बैटर 1 बाउल और उसमें 1/2 बाउल सूजी मिक्स कर देती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लिया है, क्योंकि टेस्ट भी हेल्थ भी। ये पिज़्ज़ा बिना ब्रेड के और बिना मैदे के बन रहा है, तो बहुत ही डिलीशियस भी है और हेल्दी भी है। सबसे पहले हम पेपी पनीर पिज़्ज़ा की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन पे ओनली ब्रशिंग करना है हमको ऑयल का, और इस पे पनीर क्यूब्स रख देते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा का नाम ही हमारे कॉइन पिज़्ज़ा है, तो बहुत स्मॉल है उसको अच्छे से। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर देती हूँ और इसको धीरे धीरे हमें फ्राई करना है। इसको साथ साथ में थोड़ा पलटते भी रहना है, जिससे चारों तरफ से इस पर गोल्डन ब्राउन वाला क्रिस्पीनेस आ जाए। अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं गैस फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसको ले लेती हूँ। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं अच्छे से। अब हम तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए भी मैंने थोड़ा ब्रश से ऑयल लगा दिया है और जो मैरिनेट किया था हमने पनीर, उसको मैं यहाँ डाल देती हूँ। इसको भी मीडियम फ्लेम पे हमको पनीर टिक्का जैसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेकना होगा। हमारे मिनी पनीर टिक्का भी तैयार है। अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। बैटर हमको ऐसा रखना, न ज़्यादा थिक न ज़्यादा थिन। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक अपर प्लेट लिया है, इसको पहले मैं तेल से ग्रीसिंग कर देती हूँ। आप चाहे तो बटर घी भी काम में ले सकते हैं। बहुत क्विक रेसिपी है ये।
बटर डाल देते हैं। बेस्ट पार्टी स्नैक्स भी है, बच्चों के पार्टी में आप बना सकते हैं, बर्थडे पार्टी में। अब थोड़ा चीज डाल देते हैं, क्योंकि नाम ही पिज्जा है, चीज बिना पिज्जा अधूरा। बनाना शुरू करते हैं पहले पेपी पनीर पिज्जा से। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑर्गेनो भी डाल देते हैं। स्लो और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको ढक के कुछ सेकंड्स के लिए पका देते हैं, जिससे ये अच्छे से अंदर से भी पक जाए। लगभग 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है और पीछे से गोल्डन ब्राउन भी हो गए, तो इसको स्पून से निकाल लेती हूँ मैं। ये हमारा पेपी पनीर पिज़्ज़ा तैयार है। मैं बना रही हूँ तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा, बटन पिज़्ज़ा। ऑयल से ग्रीस कर दिया मैंने, आप चाहे तो बटर और घी भी काम में ले सकते हैं। सब अच्छे से फिल कर दिया मैंने, अब इसके ऊपर ग्रेटेड चीज। हमने मैरिनेट करके पनीर बनाए थे वो भी तंदूरी पनीर डाल देते हैं। इसको भी मैं 1 मिनट ढक के अच्छे से पका लेती हूँ। लगभग 2 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। गोल्डन ब्राउन हो गए हैं नीचे से और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अप्पा पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ और मैं इसमें सब में फिल कर देती हूँ। सबको मैंने अच्छे से बराबर फिल कर दिया है। अब इसके ऊपर चीज़ और कॉर्न डाल देते हैं। ये बन रहा है हमारा अभी चीज़ कॉर्न पिज़्ज़ा। और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, बहुत
बहुत हेल्दी कॉर्न रेसिपी, और इसको भी ढक के हम 2 मिनट तक पकाएंगे। चेक कर लेते हैं। परफेक्ट। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। जी कॉर्न बटन पिज़्ज़ा तैयार है। ऑयल से ग्रीस कर देते हैं। बटर को फिल कर देते हैं। सब में इक्वल होना चाहिए। चीज़ ये पिज़्ज़ा बना रहे हैं हम, टमेटो और ओनियन पिज़्ज़ा। इसको भी हम 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। चेक कर लेते हैं। नीचे से अच्छे से पक गए और चीज़ भी मेल्ट हो गई है। ऑनियन टमाटो पिज़्ज़ा अप्पा पैन को मैंने ग्रीस कर दिया है। अब इसमें बटर फिल कर देते हैं। पहले चीज़ डाल देती हूँ, ग्रेटेड चीज़। अब हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल पिज़्ज़ा, टमेटो, कॉर्न, कैप्सिकम, लिटिल बिट ऑफ कैरेट और ऑलिव। तैयार है हमारा वेजिटेबल पिज़्ज़ा, जिसमें मैंने ऑलिव, कैप्सिकम, टमेटो, कॉर्न, कैरेट और अनियन डाला है। अब मैं इसको ढक के 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पका लेती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं। चेक करते हैं इसको भी। परफेक्ट। ये हमारा वेजिटेबल बटन पिज़्ज़ा